आज जब वस्त्रों की गठरी जब छील ली है धोबी से, तब कन्हैया ने कि भैया देखो इतने नापके तो है ना है। और जाके जैसे बन जाए जल्दी पैरो। अब गठरिया धल रही बीच में, भगवान श्याम सुंदर के मित्र ने पैरे कैसे कपड़ा। अब बेका उनके नाप के तो बहुत बहुत बड़े बड़े जवान उनके नाप के, लेकिन भाव का अरे बीच में गठरी धरी ली नी और आगे बढ़ गो तामाई। अरे बीच में गठरी धरी ली नी और आगे बढ़ गो तामाई और काऊ जवान को पकड़ ले जवान को पजम्मा पल्ले पर वो समान एक टांग गर्दन भय के डारी सबर भाई ना। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, 20-20 रुपए संतों को, 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को, 500 रुपए भंडारे में। श्री कृष्ण यादव दरोगा जी छचेना से, तो ये मामा जी की तरफ से हमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परमात्मा से विनती है कि सुख समृद्धि बनाए रखे। धन्यवाद। अरे काऊ जान को पकड़ ले ओ जानी अपने हाथ पजामाए और एक टांग गर्दन डारी तम सबरो दबी गो जामाए। जब वस्त्र उल्टे सीधे पहने हैं, दामान की कन्हैया बे चुप पे तो ले पर बिल्कुल दूते मंगेनू लग रहे हैं अपने आप ही, तो चिंता मत करो। चलो कहो दर्जी पे बढ़िया पे सही करवा देंगे, नाप के बनवा देंगे। जिस समय भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ के गए श्रोता बंधुओ, भगवान दर्जी के सामने गए हैं, दर्जी के सामने पहुंचे हैं। देखिए भगवान कितना देता है। दर्जी से कहा कि तुम मेरे मित्रों के कपड़े नाप के बना दो। दर्जी ने कि उतारो भैया, पहले स्पष्ट सुन लो, हम पे रुपया ना आए फिर तुम पैसा मांगो सिलाई के। तो दर्जी को दया आई हृदय में कि चलो तुम पर सिलाई को होंगे ही कहां। दर्जी ने सबके कपड़ा उतरवा के काट के नाप के बना के पहना दिए, पर सिलाई नहीं ली। तो कन्हैया ने कहा दर्जी से कि चल, आज तेरे मेरे मित्रों का इतना बड़ा सम्मान किया है तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं कि कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उतने तुझे सिलाई के मिलेंगे। जा बोलिए कन्हैया लाल की, इतना दे देता है। आज देख लो वही हो रहा है, पेंट शर्ट को कपड़ा मामा जी आ रहे हो 400 रुपया को, सिलाई जा रही है 500 रुपया। जैकेट को कपड़ा आ जावे 800 रुपया को, सिलाई जा रही है 1200 रुपया। कोट पेंट को कपड़ा आ रहा 3000 रुपया, सिलाई जा रही है 5000 रुपया।
ये श्याम सुंदर की देन है, उसे वचन दे दिया था उसी दिन। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है कि दर्जी से यह कह दिया कि तेने आज इतना सम्मान किया, मेरे मित्रों का अगर सिलाई नहीं ली तो तुझे कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उतने सिलाई के मिलेंगे, जा। ये वरदान दिया भगवान। चले हैं मित्र संग थे, सब मित्र संग थे। तो आगे देखा है एक सैरंधरी नाम था उसका, कुबजा इसलिए कहते थे कि वो तीन जगह से टेढ़ी थी। सुंदर तो थी लेकिन टेढ़ी थी तीन जगह से। और जिस समय वो सामने से आ रही थी, पूजा की थाली हाथ में लगी हुई थी, तीन जगह थे टेढ़ी से, बीच में कैंची सी दावत आती। सुरैना ने कही कि भैया कन्हैया देखिए जिका है, ये कहा है, देखिए जी काचर कुछ आ रहे हो है। तो तक सामने आ गए, अरे अलग हटो ना, कहां से आए हो, अलग गेल छोड़ो ना। सुरैना ने एक मुठी रेत भरो से भाई थारी में दो, ये तेरो नाव में दिया तेरो थारी बिगाड़ दी, बता मैं पूजा करने जा रही त्यो का बिगाड़ रही। तब तक श्याम सुंदर ने सीधो पैर उठा के कुबजा के पाए पे पाओ दिखना है, ये पाँव दब रहा हो नीचे, अरे ये मरेगा, ये मैं पाँव दब रहा है। तब तक भगवान क्या करते हैं, दरो पाई पे पाओ, अरे हाथ ती थोड़ी गहली कम पर रही हो संतन को जगह, तो फिर मां सामने को कुर्सी डरवा दो थी ना। परीक्षित जी सुन रहे हो, परीक्षित जी जे बिटरियां पैर छूती हैं तो मौत कछु कहता हो, देता हो ना दो तो बहुत बुरो।